हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके भाई गाइस दोस्तों, और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जलमंडल का पार्ट टू है, आज पार्ट वन हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और जलमंडल के पार्ट वन में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे, आज भी हम बहुत सारी जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर के साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम जलमंडल में आज महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। किनके बारे में? जलमंडल में हमने दोस्तों कल बहुत सारी जानकारी देखी थी, आज हम जलमंडल के पार्ट टू में हम महासागर, जो चार महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक महासागर, इन सभी के बारे में आज से जानेंगे। और आज हम उन सभी में सिर्फ प्रशांत महासागर के बारे में बस पढ़ेंगे दोस्तों। कौन से महासागर के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों? प्रशांत महासागर के बारे में, महासागर में प्रशांत महासागर के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। चार महासागर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर है प्रशांत महासागर, और सेकंड नंबर पर है अटलांटिक महासागर, और थर्ड नंबर पर है हिंद महासागर, और फोर्थ नंबर पर है दोस्तों आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, परंतु आज हम बस प्रशांत महासागर के बारे में बस जानेंगे। और गहराई की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर भी पर है प्रशांत महासागर, सेकंड में अटलांटिक महासागर, थर्ड पर हिंद महासागर और फोर्थ नंबर पर है आर्कटिक महासागर दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वही है और गहराई दृष्टि से भी यही है दोस्तों, सेम टू सेम है दोस्तों, समझ में आ गया। प्रशांत महासागर के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देखेंगे, उत्पत्ति, आकृति, विस्तार, उसके द्वीप, उसके खाड़िया, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे प्रशांत महासागर के, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रशांत महासागर की उत्पत्ति पेंथालासा के सिकुड़ने से हुई है। किसके? पेंथालासा के सिकुड़ने से दोस्तों प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई, पेंथालासा के सिकुड़ने से। इसकी प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। क्या है? प्रशांत महासागर की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है, आकृति त्रिभुजाकार। अगला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। क्या है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों जो प्रशांत महासागर है हमारा, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है दोस्तों प्रशांत महासागर। इसमें सर्वाधिक क्या है? प्रशांत महासागर में नित्तल के मैदान सर्वाधिक है, जो कि दोस्तों हम कल के में वीडियो में देख चुके हैं नित्तल के मैदान क्या होते हैं। जो नित्तल के मैदान है वो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में ही है दोस्तों। ऐसा है दोस्तों, ये पूरा प्रशांत महासागर है, यहाँ ये एशिया महाद्वीप है दोस्तों, और यहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इन सभी को कि यहाँ इन सभी के बीच में दोस्तों ये है दोस्तों प्रशांत महासागर। इसकी लंबाई बेरिंग जल संधि से एंड्रे अंतरिक्ष तक दोस्तों 15,000 किलोमीटर है। क्या बेरिंग जल संधि से और एंड्रे अंतरिक्ष तक प्रशांत महासागर की लंबाई है दोस्तों 15,000 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है एशिया महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक इसकी चौड़ाई है दोस्तों 16,000 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 15,000 किलोमीटर, और चौड़ाई है 16,000 किलोमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? एशिया महाद्वीप साइड, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों। जो एंट्री पर यह अंटार्कटिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों। और
जमा पृथ्वी चार महासागर है, क्षेत्र पर दृष्टि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, और गहराई की दृष्टि से भी वो ये दोस्तों सेम टू सेम। इसकी उत्पत्ति पैंथराशय के शिकुण्य से हुई है और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है दोस्तों। और यहाँ सर्वाधिक नितल के मैदान है, समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे जानकारी देख लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप सॉरी प्रशांत महासागर जो प्रमुख द्वीप है वो प्रमुख द्वीप प्रशांत महासागर है प्रमुख द्वीप, उसमें से पहला है न्यू गिनी द्वीप। कौन सा द्वीप? न्यू गिनी द्वीप दोस्तों। न्यू गिनी द्वीप ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों न्यू गिनी द्वीप। और जो न्यू गिनी द्वीप हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है दोस्तों न्यू गिनी द्वीप। और ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है सॉरी द्वीप है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वह है न्यू गिनी द्वीप। अगला है बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप ये एशिया महाद्वीप का भाग है। कौन से महाद्वीप का भाग है दोस्तों? बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप का भाग है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी दोस्तों बोर्निया ही बोर्निया द्वीप है और एशिया महाद्वीप का भाग तो है, इसलिए बोर्निया द्वीप दोस्तों ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। क्या है? बोर्निया द्वीप पर दोस्तों 3 देशों का अधिकार है। पहला तो इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई इन 3 देशों का अधिकार है दोस्तों बोर्निया द्वीप पर। बोर्निया द्वीप एशिया महाद्वीप का भाग है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। और बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, समझ में आ गया। अगला है फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह है ये एशिया महाद्वीप का भाग है। क्या है? फिलीपींस द्वीप समूह दोस्तों ये एशिया महाद्वीप का भाग है। कौन सा द्वीप? फिलीपींस द्वीप समूह है दोस्तों। फिलीपींस द्वीप समूह ये एशिया महाद्वीप का भाग है और फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन द्वीप। कौन सा? लुजोन द्वीप दोस्तों। फिलीपींस द्वीप समूह है ये, मतलब कि जो समूह है फिलीपींस द्वीप समूह है उसमें बहुत सारे द्वीप है और उसमें से फिलीपींस द्वीप समूह में से जो बहुत सारे द्वीप है वहाँ उसमें उनमें से लुजोन द्वीप फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। क्या है दोस्तों? जो हवाई द्वीप समूह है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों। हवाई द्वीप समूह है और प्रशांत महासागर का मोती भी कहते हैं इसे दोस्तों। हवाई द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का मोती कहते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों। हवाई द्वीप समूह है और प्रशांत महासागर का ऐसे क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। अगले है न्यूजीलैंड द्वीप। न्यूजीलैंड द्वीप दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है। कौन से महाद्वीप का भाग है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है दोस्तों न्यूजीलैंड द्वीप दोस्तों, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप एशियाई रूस का भाग है। कौन से? एशियाई रूस का भाग है दोस्तों सखालिन द्वीप। और सखालिन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और एशियाई रूस का भाग है दोस्तों। सखालिन द्वीप रूस का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? सखालिन द्वीप रूस का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। कौन से द्वीप? सखालिन द्वीप दोस्तों ये रूस का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है।
दोस्तों भारत ने भी इस समय जो भी समय चल रहा है उसमें भारत ने दोस्तों ओनजीसी और रूस से क्या किया है, ओनजीसी और रूस से समझौता किया है किस चीज का, कि हम भी यहाँ सखालिन द्वीप पर तेल का उत्पादन करेंगे। भारत ने समझौता किया है दोस्तों ओएनजीसी और रूस से समझौता किया है भारत ने कि यहाँ हम भी तेल उत्पादन करेंगे भारत भी तेल उत्पादन करेगा दोस्तों। समझ में आ गया, न्यू गिनी द्वीप ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, फिलीपींस द्वीप में एशिया महाद्वीप का भाग है, लुजोन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इसका, हवाई द्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है और प्रशांत महासागर को मोती कहते हैं इसे, न्यूजीलैंड द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, सखालिन द्वीप एशिया रूस का भाग है और रूस का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है, और ओएनजीसी और रूस से भारत ने समझौता किया है कि तेल उत्पादन करेगा भारत दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अगला है दोस्तों जापान सागर, जापान द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह है दोस्तों, जापान द्वीप समूह है ये एशिया का भाग है दोस्तों, जो जापान द्वीप समूह है ये एशिया महाद्वीप का भाग है और जापान द्वीप समूह में दोस्तों चार द्वीप आते हैं, चार द्वीप को मिलाकर जापान द्वीप समूह बनता है। पहला आता है होनसु द्वीप, दूसरा होकाइडो द्वीप, तीसरा शिकोकु द्वीप और चौथा क्यूंशु द्वीप। होनसु द्वीप ये जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, जो होनसु द्वीप है ये जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा जो होकाइडो द्वीप है ये जापान द्वीप समूह के उत्तर में है, कहाँ है, उत्तर दिशा में है दोस्तों, जापान द्वीप समूह के उत्तर में है दोस्तों होकाइडो द्वीप। अगला है शिकोकु द्वीप, शिकोकु द्वीप ये जापान द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है, क्या है, जापान द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों शिकोकु द्वीप। अगला है क्यूंशु द्वीप, क्यूंशु द्वीप ये जापान द्वीप समूह के दक्षिण में, कहाँ है, दक्षिण में है दोस्तों, जापान समूह के दक्षिण में है क्यूंशु द्वीप। होनसु द्वीप सबसे बड़ा, होकाइडो द्वीप उत्तर में है और शिकोकु द्वीप छोटा है और क्यूंशु द्वीप दक्षिण में है दोस्तों, और जो जापान द्वीप समूह है ये एशिया महाद्वीप का भाग है। अगला है गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस द्वीप ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों गैलापागोस द्वीप, भूमध्य रेखा पर है गैलापागोस द्वीप दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर है, कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों गैलापागोस द्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है और प्रशांत महासागर में स्थित है और प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर स्थित है, प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों गैलापागोस द्वीप, ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है दोस्तों। अगला है अन्य में दोस्तों तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है। सोलोमन द्वीप ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है दोस्तों, और अगला है मार्शल द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, ये तीनों तस्मानिया सोलोमन मार्शल ये तीनों द्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग है। तो दोस्तों अपने जो प्रशांत महासागर प्रमुख द्वीप थे वो कंप्लीट हो गए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जापान द्वीप समूह एशिया महाद्वीप का भाग है, होनसु द्वीप सबसे बड़ा है, होकाइडो द्वीप उत्तर में है, शिकोकु द्वीप छोटा है, क्यूंशु द्वीप दक्षिण में है, गैलापागोस द्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, भूमध्य रेखा पर स्थित है प्रशांत महासागर में, तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन और मार्शल द्वीप तीनों द्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग है और प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों द्वीप कंप्लीट हो गए हैं, अब जो प्रशांत महासागर के प्रमुख सीमांत सागर है, क्या है, प्रमुख सीमांत सागर है वो देख लेते हैं।
ट्यूब तो हो गए दोस्तों। जो प्रशांत महासागर के प्रमुख सीमांत सागर है वो देख लेते हैं। पहला है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर रूस और अलास्का के बीच में है, रूस और अलास्का के बीच में है दोस्तों। बेरिंग सागर रूस और अलास्का के बीच में है दोस्तों। बेरिंग सागर रूस और अलास्का के बीच है। प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर में ही है दोस्तों बेरिंग सागर। अगला है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर रूस के उत्तर में कहा है, रूस के उत्तर में है दोस्तों ओखोटस्क सागर, रूस के उत्तर में। हाँ दोस्तों ओखोटस्क सागर ये रूस के उत्तर में है। अगला है जापान सागर। जापान सागर जापान के पश्चिम में कहा है, जापान के पश्चिम में है दोस्तों जापान सागर। जापान सागर जापान के पश्चिम में है और ओखोटस्क सागर उसके उत्तर में है। अगला है दोस्तों पीला सागर। पीला सागर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में कहा है, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में है दोस्तों पीला सागर। अगला है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में है, कहा है चीन के पूर्व में है दोस्तों पूर्वी चीन सागर। अगला है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर क्या है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर कौन सा, तो वह है दक्षिण चीन सागर। अगला है आराफुरा सागर। आराफुरा सागर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में दोस्तों प्रशांत महासागर है और वहीं पे है दोस्तों प्रशांत महासागर में आराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। अगला है तस्मान सागर। तस्मान सागर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों तस्मान सागर। बेरिंग सागर रूस और अलास्का के बीच में। ओखोटस्क सागर रूस के उत्तर में। जापान सागर जापान के पश्चिम में। पीला सागर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर है। आराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों। अब प्रशांत महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों प्रशांत महासागर की खाड़ियां, प्रमुख खाड़ी प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियां। अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ट्रपेनिया की खाड़ी और सेलखोव की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी तो अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ट्रपेनिया की खाड़ी और सेलखोव की खाड़ी दोस्तों। ये सभी खाड़ियां, पांच खाड़ियां प्रमुख खाड़ियां, ये सभी खाड़ियां प्रशांत महासागर में स्थित है। अब प्रशांत महासागर की गर्त खाड़ी देख लिए। गर्त है मेरियाना ट्रेंच गर्त। मेरियाना ट्रेंच गर्त ये फिलीपींस द्वीप समूह में दोस्तों। फिलीपींस द्वीप समूह कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस द्वीप समूह है पर है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच गर्त। मेरियाना ट्रेंच ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्या विश्व का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों? मेरियाना ट्रेंच। आपको क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच गर्त दोस्तों, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह में है प्रशांत महासागर में। अगला टोंगा गर्त। अगला है कार माडे गर्त, फिर चैलेंजर गर्त और अगला है जापान गर्त और अगला है क्यूराइल गर्त। क्यूराइल गर्त, मेरियाना ट्रेंच गर्त, टोंगा गर्त, कारमाडे गर्त, चैलेंजर गर्त, जापान गर्त और क्यूराइल गर्त, ये सभी गर्त दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है कटक दोस्तों। प्रशांत महासागर में बहुत कम कटक है। क्या है? बहुत कम कटक है दोस्तों। उसमें से प्रमुख एक कटक है दोस्तों, एक कटक याद रहना चाहिए प्रशांत महासागर में दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जुआन फर्नाल्डो कटक। जुआन फर्नाल्डो कटक दोस्तों
ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है दोस्तों, जुआन फर्नाल्डो कटक प्रशांत महासागर में है दोस्तों, और मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर है, और वही मध्य में दोस्तों है जुआन फर्नाल्डो कटक। समझ में आ गया, कटक हो गया दोस्तों, खाड़िया भी हो गई है और गर्त भी हो गए हैं। अब है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, पानी का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने भी खाड़ियां भी देख ली, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया, कार्पेंट्रिया, कैटरेनिया और सेलको की खाड़ी। गर्त है मेरियाना ट्रेंच, टोंगा गर्त, काजमाडे गर्त, चैलेंजर गर्त, जापान गर्त, क्यूराइल गर्त, और कटक है जुआन फर्नाल्डो कटक दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों। और आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों पास जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जलमंडल के पार्ट 3 में। आज हमारा जो प्रशांत महासागर है वो कंप्लीट हो गया है, कल हम दूसरा महासागर पढ़ेंगे, तो आपको कल ही पता चलेगा कि हम कौन सा महासागर पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना ही भूलना, दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखे और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।